चैनल की तरफ से नमस्कार। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से चलाए जा रहे हैं आज एक जैसे सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत आज सहारनपुर में रोटरी क्लब में 14 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न। विवाह समारोह में पहुंचे महापौर संजीव बजे ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। सहारनपुर में यह प्रोग्राम किया गया जिसमें आपको बता दें कि 14 जोड़ों का विवाह करवाया गया है। जैसे कि आपको तस्वीरें में दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि कैसे इनका आज विवाह संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री की योजना के अनुसार 51,000 की अनुदान राशि दिया जा रहा है, 35 के कैश, बाकी सामान शादी का दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा ही केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी योजनाएं कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। न्यूज चैनल के लिए मुकेश कुमार की खास रिपोर्ट, जनपद सहारनपुर से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसी क्रम में आज ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम 14 कन्याओं का विवाह आज आयोजित किया जा रहा है। 51,000 रुपये की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विवाहित जोड़ों के लिए स्वीकृत की है, उसमें 35,000 रुपये नकद दिए जा रहे हैं, बाकी सामान दिया जा रहा है। निश्चित तौर से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएँ कल्याणार्थ चलाई जा रही है उसी क्रम में आज ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक गोद भराई का बड़ा भव्य कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किया गया। इस प्रकार के अनेकों कल्याणार्थ कार्यक्रम प्रदेश सरकार द्वारा चले जाए, मैं प्रदेश सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज जिन जोड़ों का ये विवाह हो रहा है उन सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आज 14 लोगों का हम लोगों ने यहाँ विवाह सम्पन्न कराया नगर निगम ने, और मुख्य उद्देश्य यही है कि हर जो भी व्यक्ति गरीब हैं उनका हम जीवन स्तर उठा सकें। उनको हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना से भी आच्छादित कराया है, और पूरा धूमधाम से जैसे शादी होती है घर की शादी होती है उसी तरह हम लोगों ने पूरा ये शादियां करवाई हैं। सभी लोग इसमें शामिल हुए, हमारे सभी पार्षदगण और शहर के जितने भी हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो सभी लोग इसमें शामिल हैं। वो जो भी पात्र व्यक्ति है सभी का हम लोग हर वार्ड में जा करके कैंप लगा रहे हैं, और जो भी लाभार्थी हैं उनका हम लोग फॉर्म भरवा करके फिर उनकी जांच करके वहीं का वहीं डिक्लेयर कर देंगे कि ये व्यक्ति को आवास मिल सकता है किसको नहीं मिल सकता। इनके लिए मैंने आदेश कर दिया है, कल इनका फॉर्म भर के जांच होकर के इनको तुरंत ही कार्रवाई उस पर कर दी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस